हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शरंजन और आप देख रहे हैं ऑफिशियली केमल। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, खासकर उन्हीं लोगों के लिए जो ऑनलाइन कुछ ऐसे चीज खोजते हैं। मान लीजिए कुछ पोस्ट के द्वारा किसी से कुछ भेज दिया जा रहा है आपको, या तो आप किसी को कुछ भेज रहे हैं, तो ये इसके लिए है आज वीडियो। तो अगर आप इसके बारे में जानकारी नहीं तो वीडियो को शुरू चला सकते थे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करें, वीडियो को शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे क्योंकि छोटा सा वीडियो होगा। इससे पहले मैं आगे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी मोबाइल से करके दिखाते हैं आपको, और यही चीज़ को आप कंप्यूटर डैशबोर्ड या आपके लैपटॉप पीसी से भी आप कर सकते हैं आसानी से। तो इसमें इसके लिए आपको कोई भी एक ब्राउज़र खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों मैं कोई भी एक ब्राउज़र खोल लेता हूँ, मान लीजिए मैं इसको खोल लेता हूँ, गूगल से कर लीजिएगा आप लोग। तो मैं इसको खोल लिया, तो यहाँ से आपको खोजिएगा फाइंड पोस्टल कोड इंडिया लिखिएगा, ठीक है। अगर इसे लिखेगा तो इसमें ओके सर्च के बटन में क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, आप जैसे इसमें सर्च करेंगे, इसमें थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। आप पहला नंबर तो दिख रहा है फाइन फिन कोड इंडिया पोस्ट, उसमें नहीं, उसके दूसरा सेकंड में दिखेगा आप इंडिया पोस्टल कोड, इसमें कुछ ऑप्शन शो कर रहा है, इसको देख लीजिएगा। तो इनमें आपको क्लिक करना होगा, इसमें क्लिक कर देते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है, देखो ऑल पोस्टल कोड इसमें खोज सकते हैं आप। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें एड्रेस कंट्री सिटी जो सर्च के बटन ऑप्शन आ रहा है, इसमें से खोजिएगा आप। इसके लिए इसके अलावा और भी रीजन आप चुन सकते हैं, इसमें पूरे इंडिया का इसमें स्टेट दिया गया है, इसमें से आप चाहे तो चुन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप मान लीजिए कोई भी स्टेट के अंदर और कुछ ऐसे एरिया होते, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब सिटी शहर होते हैं, तो उसका पोस्टल कोड आप मान लीजिए जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें जो सर्च का ऑप्शन आ रहा है, इसमें एड्रेस में आप कोई भी उस जगह का नाम ले दीजिए। मान लीजिए मैं फिल्म बोध गया रहता हूँ, मैं बोध गया में सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैं बोध गया लिख दिया, तो इसमें सर्च के बटन में क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इसमें क्लिक कर देंगे, आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चले जाएंगे, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो इसमें देखिएगा योर सर्च बोध गया इसमें आ गया। देखिए इसमें मैक जियो लोकेशन भी आ गया, क्लिक करते ही आप देखिए इसमें पोस्टल कोड 82421 इसमें आ गया, इसके पोस्टल एड्रेस बोध गया बिहार भारत आ गया। इसका देखिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों शो कर रहा है, काफ़ी अच्छा है दोस्तों, पूरा वर्ल्ड वाइड के लिए है देखिए, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। तो आप इसी तरह आप आसानी से खोज सकते हैं। अगर इसके अलावा और भी आपको एक बात बता दूँ मैं, देखिए नीचे किया जाए तो देखिए सबसे पहला क्या आ रहा है इसमें 14 रिकॉर्ड्स फाउंड सर्च नंबर 2 डाटाबेस में, देखिएगा इसमें नीचे 14 रिकॉर्ड्स फाउंड इसमें शो कर रहा है, सबसे ऊपर जो शो कर रहा है मेन बोध गया का लोकेशन शो कर रहा है, उसके नीचे भी बोध गया शो कर रहा है, लेकिन इसके पांडे प्रशवान का शो कर रहा है, लेकिन उसका जो पोस्टल को थोड़ा सा अलग है 823004 का है। बाकी नीचे और भी सारे बोध गया का लोकेशन शो कर रहा है, लेकिन वो भी सब सेम ही है जो कि मैंने पहले सर्च किया था उससे रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार आप कोई भी पोस्टल को आसानी से सर्च करते हैं। तो इतना तक, उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो को पसंद आया होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियो को कि किस रुपये मैंने दिखाया बना के, और मैं प्रैक्टिकली बना के दिखाया और ऑनलाइन किया जाता है, जैसे पोस्टल कोड आप खोजा जाता है, कोई भी इंडिया का हो या आउट कंट्री का जो भी हो, आपका मतलब कोई भी शहर में रहता है, सिटी में रहता है, कोई भी स्टेट में रहता है, इसके लिए बहुत ही आसान है इसके जरिए निकालना। तो मिलता था तुमके लिए, बाय दोस्तों, ओके जय हिंद जय भाई।